चलिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स में सनलाइट की वजह से एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना सीखते हैं, एंड दैट फिनोमिना इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग का मतलब बेसिकली है क्या? तो जब भी कोई लाइट का बीम किसी पार्टिकल के ऊपर गिरेगा ना, तो वो लाइट स्प्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राइट, हम यहाँ पे सीखेंगे कितने तरह के स्कैटरिंग होते हैं और ऐसे कौन कौन से फिनोमिना है जो स्कैटरिंग की वजह से आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग पहले डिफाइन कर लेते हैं। सो व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फियर, कौन सा पार्टिकल होंगे भाई एटमॉस्फेयर में? जैसे कि गैस पार्टिकल्स है ना, एटमॉस्फेयर में कितना सारा गैस होगा, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, पानी के ड्रॉपलेट होंगे, राइट? देन व्हाट विल हैपन जब सनलाइट ऐसे पार्टिकल के ऊपर गिरेगा, तो द लाइट इज, और यू कैन से द लाइट विल स्प्रेड, और यू कैन राइट इट चेंजेस द डायरेक्शन। लाइट जो है ना वो डायरेक्शन चेंज करेगा, विच इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, विच इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चल बेटा, इतना आपने समझ लिया। तो स्कैटरिंग का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जब सनलाइट या कोई भी लाइट का बीम किसी छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर गिरेगा, तो लाइट जो है वो अपना रास्ता बदलेगा, या तो लाइट जो है वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। चल बच्चा, दो टाइप के स्कैटरिंग होते हैं, एक है आपका रेले स्कैटरिंग और दूसरा ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग कहते हैं, जो आपको बुक में नाम नहीं दिया है तो हम भी नेमिंग नहीं करेंगे उसका। ठीक है, चलिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे के टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। एक और स्कैटरिंग अपने इंडियन साइंटिस्ट के नाम से है, रमन स्कैटरिंग, सीवी रमन के नाम से, बट वो भी आपके बुक के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सबसे पहला स्कैटरिंग रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग की खासियत है कि जो स्कैटरिंग करने वाले पार्टिकल का डायमेंशन है ना, लेट्स कॉल इट ए, दिस डायमेंशन इज वेरी मच लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ए क्या है बच्चों? ए है डायमेंशंस ऑफ स्कैटरर। जो स्कैटरिंग करेगा उस पार्टिकल का जो डायमेंशन है ना, राइट, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द स्कैटरर, एंड दैट डायमेंशन ऑफ द स्कैटरर इज ए, विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो यहाँ पे नॉर्मली जो स्कैटरर पार्टिकल है ना, वो एटमॉस्फेयर के गैस पार्टिकल रहेंगे, क्योंकि गैस पार्टिकल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, इनका साइज वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत ही छोटा रहता है, राइट? तो हियर बेसिकली स्कैटरर पार्टिकल्स आर द गैस पार्टिकल्स, स्कैटरर आर गैस पार्टिकल्स, राइट? यहाँ पे स्कैटरर और कोई नहीं है, गैस के पार्टिकल्स है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यू कैन मेंशन हीलियम एक्सेट्रा। समझे इतना आप? राइट, अब यहाँ पे जो एक मेन खासियत है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये इस पर्टिकुलर स्कैटरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज 1/λ^4। इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज 1/λ^4। चलो, मतलब क्या है इसका? आई विल राइट द स्टेटमेंट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर, इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ।
राइट, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थियरी। तो अब मुझे बताओ बच्चों, किस कलर का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होता है? तो रेड कलर का। अगर आप कंपेयर करो वेव लेंथ, रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट कलर का सबसे कम होता है, राइट। तो यहाँ पे तो इन्वर्स प्रपोर्शन है इंटेंसिटी एंड वेव लेंथ का। तो अगर रेड कलर का वेव लेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर का स्कैटरिंग भी कम होता है, रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है, मतलब रेड कलर कम फैलता है। तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर रेड कलर इज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड वायलेट कलर। मतलब ये है कि रेड कलर स्कैटर मिनिमम एंड वायलेट कलर स्कैटर मैक्सिमम, वायलेट कलर स्कैटर मैक्सिमम। और इसीलिए आपको क्लियर स्काई जो है ना वो ब्लू दिखता है, दिखना वायलेट चाहिए बट ब्लू इसलिए दिखता है कि हमारी आंखें वायलेट के कंपेयर में ब्लू के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, दैट इज़ वाई क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, राइट। ये उसका रीज़न है, क्योंकि ब्लू कलर या वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होके फैल जाएगा एटमोसफियर में, इसीलिए आपको एटमोसफियर पूरा जो है वो ब्लू कलर का दिखेगा, राइट। तो दिस इज रीज़न बिहाइंड ब्लू, ब्लू में लिख दूंगा मैं मोर सेंसिटिव टू आई, दिस इज अ रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, दिस इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई, राइट। समझ गए इतना आप? ओके फाइन, चलिए। इसी तरह से जब सनराइज और सनसेट होता है ना, तो आपको सन वाला जो पार्ट है ना वो एकदम से रेडिश या ऑरेंज कलर वाला दिखेगा, क्यों? उसका रीज़न भी यही सेम स्कैटरिंग है। तो होगा क्या बच्चों, सनराइज और सनसेट के वक्त आपको यू दिखेगा ऑफ द पर्टिकुलर रेडिश कलर, तो वो भी देख लेते हैं। रेडिश यू ड्यूरिंग सनलाइट एंड सनसेट, ओके, सनलाइट नहीं सनराइज एंड सनसेट। तो व्हाट बेसिकली हैपन इज, अगर ये अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है, इतना खराब, चलिए जैसे दिस इज द एटमॉस्फेयर, राइट। अब सनराइज और सनसेट के वक्त आपका सन जो है वो होरिजोन के पास होगा, चलो यहाँ पे आपका सन है। अब जब सनलाइट आ रही है ना, समझना, जब सनलाइट आ रही है तो सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस काटना है एटमॉस्फेयर में से, कंपेयर करो, इतना डिस्टेंस काटना है एटमॉस्फेयर में से। दोपहर के वक्त सन ऊपर होगा तो तब आपको कम डिस्टेंस काटना पड़ेगा सनलाइट को आपके तरफ आने के लिए, राइट। बट सुबह सुबह सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस काटना है आने के लिए। अब जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में से ज़्यादा डिस्टेंस काटेगा तो कौन सा कलर फैल जाएगा? ब्लू कलर फैल जाएगा, राइट। और जो रेडिश कलर होंगे, रेड ऑरेंज येलो, ये कलर ज़्यादा स्कैटर होते नहीं हैं, तो ये कलर सीधे आप तक पहुँचेंगे स्कैटरिंग हुए बिना, राइट। और जो वायलेट वाले पार्ट होंगे, वायलेट ब्लू, ये सारे कलर स्कैटर हो जाएंगे, तो इसीलिए आपके ऊपर जो रेड कलर की लाइट पहुंच रही है, दैट इज़ व्हाई यू विल सी कि सन जो है वो कैसा है, रेडिश है कलर में, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट ट्रैवल करके आएगा ना, तब ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा एंड रेड कलर रीचेज टू ऑब्जर्वर। अब इसके आजू बाजू आप थियरी लिख देना, राइट। रेड कलर रीचेज टू ऑब्जर्वर, हैंड्स जो सन है वो आपको रेडिश कलर का दिखेगा। सन कैसा दिखेगा? रेडिश दिखेगा। अब वही आपका सन जब यहाँ पर है, दोपहर की बात करते हैं, तब आपको सन जो है ना वो येलोइश दिखता है या ऑलमोस्ट वाइट वाइट दिखता है, ऐसे देख ही नहीं पाओगे बट देखोगे तो थोड़ा वाइटिश दिखेगा, क्यों? तो दोपहर की अगर आप बात करोगे ना, तो सनलाइट को आने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं काटना है, सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस नहीं काटना है दोपहर को, मतलब यहाँ पे इतना स्कैटरिंग का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब सारे कलर आप तक पहुँचेंगे, और जब सारे कलर पहुँचते हैं तो सारे कलर मिलके क्या हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है, राइट, ओके। सो यू कैन राइट हियर, दोपहर के टाइम ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल बाय
सनलाइट एट नून इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग इज लेस इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग इज लेस हैंस सन अपीयर येलो और ऑलमोस्ट वाइट लेट्स राइट वाइट एट नून इसलिए आपको सन जो है ना वो कैसा दिखेगा भाई वाइटिश कलर का दिखेगा अगर आप दोपहर को देखोगे तो और सुबह सुबह देखोगे तो लाल दिखेगा बिकॉज बाकी सारे कलर स्कैटर हो चुके हैं रेड आप तक आ रहा है दैट्स वाइट विल अपीयर रेड दोपहर को सारे कलर स्कैटर होने वाले नहीं है तो सारे कलर जब पहुंचेंगे तो इट विल मिक्स टू गिव यू वाइट कलर तो ये हो गया पहला टाइप का स्कैटरिंग जिसे रेले स्कैटरिंग कहता है जहाँ पे स्कैटरिंग करने वाले पार्टिकल बहुत छोटे साइज के हैं बहुत छोटे साइज के कंपेयर टू द वेवलेंथ और यहाँ पे स्कैटर होने वाले लाइट का इंटेंसिटी वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये दो पॉइंट आपको मेंशन करने रहेंगे अगर आपको मार्क चाहिए तो ओके तो आप देख सकते हो कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा और फैल जाएगा दैट्स वाई क्लियर स्काई अपीयर ब्लू टू यू राइट चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट करिए फिर दूसरे टाइप का स्कैटरिंग ओके तो रिले स्कैटरिंग हो चुका है अभी दूसरे टाइप के स्कैटरिंग की बात करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग लेट्स सी व्हाट इज दैट ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग चलिए कब होगा ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग तो ये तब होगा जब स्कैटर करने वाले पार्टिकल का साइज बड़ा होगा मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट तो यहां पे क्या होगा बच्चों स्कैटरर यू कैन राइट डायमेंशंस ऑफ स्कैटरर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट तो यहाँ पे कौन होंगे स्कैटरिंग करने वाले पार्टिकल बड़ी साइज के पार्टिकल तो यहाँ पे बेसिकली आपके स्कैटरर रहते हैं डस्ट पार्टिकल फ्यूम पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट्स राइट ये सारे बड़े साइज के पार्टिकल है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्कैटर होने वाले लाइट का इंटेंसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है मतलब यहाँ पे सारे कलर इक्वली स्कैटर होते हैं राइट ये बात आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इज इंडिपेंडेंट of wavelength of light is independent of wavelength of the light मतलब all color scattered equally all colors scattered equally चलिए तो इसी के लिए आपको जो बादल होते हैं ना वो white color के दिखते हैं why the clouds appear white इसका reason है Clouds appear white. Why? Because जो water droplet है ना उसका size of water droplets are very large compared to sunlight. अगर ऐसा हुआ देन इट अंडरगोज दिस ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग जो सारे कलर को इक्वली स्कैटर करता है हैंस वाटर ड्रॉपलेट स्कैटर ऑल कलर्स इक्वली अगर बच्चा सारे कलर इक्वली स्कैटर हुए तो सब कलर मिलके वाइट ही बन जाएगा वापस दैट इज वाई क्लाउड अपीयर्स वाइट हैंस क्लाउड appear white जो cloud है वो white color का आपको दिखता है तो this is the second kind of the scattering which you name as geometrical scattering exam में आए तो ये नाम मत लिखना just write down this one the other scattering is due to the particles which has a size very much larger compared to the wavelength of the light right in this way only right चलिए तो यहाँ पे आपका
दो फिनोमिना हमने कंप्लीट किया, पहले हमने रेनबो सीखा था और फिर दूसरे में हमने सीखा ये स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एमसीक्यू, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों थियरी। स्क्रीनशॉट करिए, चलिए क्विकली।